नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आज हम जिनसे मिलवाने वाले हैं उनका कोई इंट्रोडक्शन तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि उन्होंने सिर्फ अरुणाचल प्रदेश का ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन का नाम रोशन किया है। मैं बता दूं वो और कोई नहीं, हमारे अरुणाचल प्रदेश के ग्यामर निकुम जी है, जो कि बस 16 साल के हैं। उनका अभी हाल ही में ही जो हीरो इंडियन लीग जो फुटबॉल टूर्नामेंट रहता है, नेशनल लेवल कह सकते हैं, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। तो सीधे उनसे जानेंगे, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी जानेंगे और साथ ही साथ वो कौन से टीम की ओर से वो खेलने वाले हैं इस बार वो भी जानेंगे। चलिए, सबसे पहले निकुम, अ वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशन आपको पूरे अरुणाचल की ओर से। और आप पहले तो आपका इंट्रोडक्शन ना बताइए कि आपका नाम, आपका पापा का नाम ना, तो इन अ ब्रीफ बता दीजिए आपका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम ग्यामर निकुम है, मेरा पिताजी का नाम ग्यामर ताजिक है और मम्मी का नाम ग्यामर न्यूनू है, और मैं नारलागन जी सेक्टर में रहता हूँ और मेरा होम टाउन कुरुंकुमे है। और मैंने एक बात बताना, मेरी तरफ से छूट गया कि मैं बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट रीजन का तो है ही है, लेकिन मैं बता दूं कि पूरे इंडिया में वन ऑफ द यंगेस्ट फुटबॉलर रहेगा इस बार जो हीरो लीग में जो खेलेंगे, ग्यामर निकुम जी ही रहेंगे। तो अभी जैसे आपने कहा कि आपका पापा का नाम बताया, आपने अपना ना जगह का नाम बताया, तो हम ये जानना चाहेंगे इस बार जैसे क्योंकि आपका हीरो इंडियन लीग में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो कौन से टीम के ओर से आप खेलने वाले हैं ना, और सिलेक्शन कब हुआ वो बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। ये हीरो आई लीग में मैं राजस्थान यूनाइटेड के लिए खेलूँगा। उसके बाद सिलेक्शन जो कि हमारे RUFC एकेडमी में हम लोग ने कुछ टूर्नामेंट्स खेले थे, उसमें कोचेस ने मुझे देखा और मेरे को चांस दिया। ये जैसे आपने कहा कि कोचेस ने आपको ना चांस दिया वगैरह आपने कहा, तो आप ये बता पाएंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ था ये सिलेक्शन ना जगह, क्योंकि ईटानगर में तो ये नहीं हुआ है गेस ना, ये तो कहीं दूसरे स्टेट में हुआ। ये राजस्थान भिलवाड़ा में हुआ था, उसमें सीनियर मेंस का ट्रायल हुआ था, तो उसमें मैंने भी दिया था, तो उसमें सर ने मुझे देखा। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अभी सिलेक्शन हो गया एंड आप कह सकते हैं अभी स्पोर्ट पर्सन, और अरुणाचल प्रदेश में क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल को पसंद करते हैं हमारे लोग, इवन इन नॉर्थ ईस्ट ना, तो काफ़ी लोग खेल रहे हैं। और आप बस 16 ईयर्स के, 16 साल के हो, तो आप कब से आपने खेलना शुरू किया, या फिर आपको मम्मी पापा ने ऐसे ही डाल दिया ये फुटबॉल खेलना है ना, या आपको पसंद है, बताइए। नहीं, मैंने फुटबॉल तो मैं बहुत छोटा से खेल के आ रहा हूँ। छोटा में पेरेंट्स ने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा था, फिर बोर्डिंग स्कूल में भी मैं खेलता था, तो फिर उसके बाद मैंने वो मेरा एक अच्छी नींब है, उसने मुझे उसके क्लब अरुणाचल स्पोर्टिंग क्लब में मौका दिया था, फिर उससे मैंने उसमें हमने खेला था, फिर उसमें अजय सर ने मुझे देखा, फिर उससे अंडर 15 सब जूनियर उसमें खिलाया, फिर BC Roy भी खेला मैंने, उसके बाद उसके अपना पोलो सिटी है उसमें भी बहुत टूर्नामेंट्स खेले, फिर ऐसे ही खेल खेल के आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आपने काफ़ी टूर्नामेंट खेले स्टेट लेवल में भी ना, अगर कहा जाए तो, जैसे आपने कहा तो आप कोचिंग लेते थे आपका कहीं में ट्रेनिंग, या स्कूल वगैरह जैसे सांगे लेडन यहाँ पे है स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल, तो ऐसे स्कूल या कुछ ट्रेनिंग सेंटर या फिर आप कुछ पार्टिसिपेट कर रहे थे? कोचिंग तो नहीं लिया, लेकिन खुद मेहनत किया, उसके बाद पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, उसके बाद भैया लोग भी है बहुत सारा, जैसे हो गया मेरा खुद का बड़ा भैया ततिंग, ग्यामर ततिंग, वो भी संतोष खेल चुका है, उसके बाद स्टेट में बहुत सारे, मतलब स्टेट को बहुत बार रिप्रेजेंट कर चुका है, उसने भी मुझे बहुत वो सपोर्ट किया, तो वही। तो कह सकते हैं कि ग्यामर निकुम सिर्फ इनके घर से अकेला स्पोर्ट पर्सन नहीं है, इनके बड़े भैया भी संतोष खेल चुका है ना, वो जो नेशनल लेवल रहता है ना, हमारा फैमिली में ही सब परदादा से दादा सबसे सभी स्पोर्ट्स से आके हुए, मेरे पिताजी कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है और भाई सियांग है वो भी कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है, तो
फैमिली में ही स्पोर्ट्स। ये खुद ही बता रहे हैं और काफ़ी अच्छी बात है कि काफ़ी चीज़ें हम अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं कि माँ पिताजी कहते हैं पढ़ाई में तो कंसंट्रेट मतलब फोकस करने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक और एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ के जो पेरेंट्स रहते हैं वो को करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे अभी निकुम को ले लीजिए एग्जाम्पल, सिर्फ 16 साल के हैं लेकिन अभी वो राजस्थान जो है फुटबॉल क्लब है उसके लिए खेलने वाले हैं ना, और यंगेस्ट रहेगा इस बार नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश, पूरे इंडिया में। तो आपसे जैसे आपने तो कह तो दिया है कि आपके पेरेंट्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं ना, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि काफ़ी लोग ना आपके जैसे आप बोलो सोचता है कि अभी हम बहुत छोटा है नहीं कर पाएगा, और आप भी तो सोचा होगा कभी ना कभी इतना छोटा है, लेकिन 16 साल में एक नेशनल लेवल में वो भी दूसरे स्टेट ना एक क्लब के लिए, वो भी काफ़ी नॉन क्लब है उसके लिए आप खेलने वाले हो, तो जैसे आपके जैसे काफ़ी लोग होंगे ना अरुणाचल प्रदेश में छोटा छोटा लोग सपना देखता होगा, तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेगा? वही कहूँगा कि मेहनत करते रहो, और अगर कुछ चीज़ पे फोकस कर रहे हो तो उसमें फोकस करना, उसके बाद मेहनत करते रहना, तब तभी फल मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हमने बात करी, तो हम एक चीज़ काफ़ी नोटिस कर रहे हैं शुरू से, आपके यहाँ पे एक मेडल है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए और थोड़ा दिखा दीजिए कैमरा में ताकि हमारे यहाँ के लोग भी देखें। बता दीजिए इसके बारे। ये रिसेंटली नहीं नहीं ये मेडल को दिखा देखे बता। अच्छा ये जो ये आई लीग के लिए हम लोग क्वालिफाई हुआ उसके लिए भी फिर एक क्वालिफायर्स खेलना पड़ता है जिसमें 10 टीम्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो हम लोग ने प्री सीजन गोवा में किया था, उसमें एक महीना जैसे प्रैक्टिस किया, फिर वहाँ से ये क्वालिफायर्स हुआ था बेंगलोर में, तो उसमें हमने टॉप किया, तो इसलिए वहीं से ही आया मेडल। तो अभी आपके साथ में तो हम लोग काफ़ी बात कर लिया ना, तो अरुणाचल टुडे टीम की ओर से और साथ ही साथ पूरे अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट की ओर से आपको बेस्ट ऑफ लक बेस्ट विशेस देना चाहेंगे आने वाले जो आपका मैचेस रहेगा, हम भी हम आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, साथ ही साथ बेस्ट विशेस देना चाहेंगे, अच्छी तरीके से खेलिए और इसी तरीके से अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट रीजन का नाम रोशन करिएगा। थैंक यू। तो अभी हम जैसे उनसे बात की, जैसे निकुम से हमने तो बात कर लिया, लेकिन कह सकते हैं हर बच्चे के पीछे पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा रोल रहता है जो भी फील्ड में आगे बढ़ते हैं, तो आज हम निकुम के बाद उनके पिताजी उनसे हम बात करेंगे, उनको कैसा लग रहा है सबसे पहले तो वो जानेंगे, क्योंकि एज अ पेरेंट्स अभी हमारे साथ निकुम के फादर हैं, उनसे हम सीधे बात करेंगे। सबसे पहले उनसे जानेंगे कि सर एक छोटा मतलब बात नहीं होगा सर, ये पूरे इंडिया में सर यंगेस्ट प्लेयर रहेगा फुटबॉल प्लेयर जिनका सिलेक्शन हुआ है इंडियन लीग में, तो सर आपको कैसा लग रहा है एज अ पेरेंट्स वो पहले ही बताइए सर। एज ए पेरेंट्स एज ए फादर मैं उसका पिताजी इस समय बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ नहीं है, मेरा फैमिली, मेरा वाइफ और सब उसका रिलेटिव्स और इवन रिलेटिव सिर्फ नहीं है, हमारा ऑल अरुणाचल का जो स्पोर्ट्स फिटर्निटी जो स्पोर्ट्स लोवर्स वो लोग सब कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा है, उसके बाद ग्रेट फील कर रहा है और उसका अचीवमेंट को लेके, और इवन हमारा अरुणाचल का ऑनरेबल सीएम श्री ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी ने भी उसको मोटिवेट किया है, तो वो मोटिवेट से हमारा यंग जनरेशन इनक्रेज मिलेगा उनका जो मोटिवेटेड से, वही मेरा ग्रेट फील कर रहा है सर। और जैसे निकुम ने कहा है कि उनके बड़े भैया भी स्पोर्ट पर, आप खुद भी स्पोर्ट पर, आपके फादर भी स्पोर्ट पर्सन थे, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जर्नी किस तरीके से रहा, क्योंकि निकुम का ये जो इंडियन अभी प्रीमियर लीग होने वाला है तो उसमें जर्नी कैसा था, किस तरीके से आपके तरफ से सपोर्ट दिया गया, कैसे जर्नी रहा वो थोड़ा बता दीजिए सर। मैं मेरा फैमिली का जो हम लोग का जो अचीवमेंट का बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा, सबसे फर्स्ट हमारा ग्यामर सियांग और संतोष खेल चुका है, नेक्स्ट हम भी कुछ संतोष खेल चुका है, एंड नेक्स्ट ग्यामर जिल और अभी कुरुंकुमे का डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है वो भी कुछ संतोष खेल चुका है, अभी नेक्स्ट हमारा ग्यामर तटिंग है भाई अभी उन्होंने नाम लिया है वो भी ऑलरेडी संतोष ट्रॉफी खेल चुका है, और इवन हमारा ग्यामर कुकू भाई वो भी नेशनल रिप्रेजेंट कर चुका है जूनियर लेवल में, हमारा फैमिली में ही सब फुटबॉल का लोवर्स है, और अभी वही इनक्रेजमेंट से लेके हमारा बेटा ग्यामर निकुम ने वो शुरू से फुटबॉल में इंटरेस्ट था, तो हम लोग ने भी सोचा है जहाँ में जिसको फील्ड में अच्छा लगे तो वहाँ में जाना चाहिए, वही सोच के हम लोग ने मोटिवेट किया है,
हम लोगों ने इनक्रेजमेंट दिया है। उसके बाद राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब में उनको एडमिशन कराया है। तो कराने का साथ साथ में तो वो एक एक दो महीना का बाद में वो लोग लोकल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट खेला है। तो उसको वो लोग का कोच ने और मैनेजिंग डायरेक्टर लोग ने उनका जो गेम स्प्रिट या टैलेंट को देख के वो लोग पिकअप किया है वो सीनियर टीम में। तो मैं वही कहूँगा कि मेरा बेटा को भी आगे वही कंटिन्यू जाते रहना है, मेहनत करते रहना है और मेहनत का फल मिटाना है और हमारा अरुणाचल का नाम को रोशन करना है, अरुणाचल के लिए नाम रोशन कर देना है और हमारा इंडिया के लिए नाम रोशन करना है, वही मैं उसको ये सजेस्ट। और सर पहली बार होगा अरुणाचल प्रदेश में 16 साल का एक फुटबॉलर अरुणाचल को रिप्रेजेंट करने वाला है नेशनल लेवल में। तो सर क्योंकि अभी कहा कि सारे आपके फैमिली में स्पोर्ट पर्सन है, तो सर पढ़ाई के साथ साथ जो गेम है उसको कैसे मैनेज करते हैं, आपकी तरफ से किस तरीके से गाइडेंस दिया जाता है, क्योंकि अभी बस 16 साल का ही है, तो वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स पे किस तरीके से आप लोग? मैम गाइडेंस तो हम लोग का पेरेंट्स का तरफ से जो राजस्थान फुटबॉल क्लब जहाँ में वो खेल रहा है तो वहाँ में ऑलरेडी माने उसका इंटरनेशनल स्कूल एटेज है, तो वहाँ में ही पढ़ाई वो कर रहा है। तो जितना पढ़ाई हम उसको भी वही बेटा को भी वही कहूँगा कि पढ़ाई में भी फोकस करना है। तो क्योंकि वहाँ में इंटरनेशनल स्कूल स्टैंडर्ड स्कूल है अभी जहाँ में वो एकेडमिक में जो ये कर रहा है, अभी जो क्लब में उसको सिलेक्शन हुआ है तो वही है। तो पढ़ाई में भी आगे जाना है, साथ साथ में उसका मेन फोकस तो अभी वो फुटबॉल में होगा, फुटबॉल करियर में उसका मेन फोकस होगा। सर और आखिर में आपसे हम ये मैसेज चाहेंगे यहाँ के पेरेंट्स के लिए, ज़्यादातर लोग अभी आगे बढ़कर अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो चीज़ में वो इंटरेस्टेड है, जो फील्ड में इंटरेस्टेड है बच्चे, वहाँ सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे हैं जो लोग अभी गेम्स को भी कहते हैं कि गेम्स खेल के क्या होगा, ऐसे कहने वाले भी काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं। तो आप क्योंकि आप जीता जाता कह सकते हैं, एक एग्ज़ाम्पल है, दो दो बच्चे आपके खेल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टेट को, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वही अरुणाचल का पेरेंट्स लोग को वही मेरा तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई सिर्फ ये नहीं है, तो हर फील्ड में हर प्रोफेशन में फ्यूचर है। तो जहाँ में बच्चा जहाँ में जिसका फ्यूचर है, जहाँ में जिसका इंटरेस्ट है, वह में पेरेंट्स लोग को भी फोकस करने देना है अपना बच्चा को। सिर्फ एजुकेशन बोल के ये नहीं है, हाँ एजुकेशन तो मोस्टली एजुकेशन इज नंबर वन फर्स्ट प्रेफरेंस, बट जहाँ में जिसका लड़का जिसे कि निकुम जो फुटबॉल में उसका प्रोफेशन उसमें परफेक्ट है, तो वही फील्ड में बच्चा को जाने देना है। और ज़बरदस्ती जहाँ में ये नहीं है उसमें ये नहीं करना है। हाँ मेरा मिसेस वही है कि अरुणाचल का जितना पेरेंट्स लोग बच्चा को वही भेजना है कि जहाँ में उसको टैलेंट है और जहाँ में जो फ्यूचर उसका फ्यूचर है तो वह में जाने देना है, वही मेरा मिसेस है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। आपको भी हम थैंक यू कहना चाहेंगे कि आपने अपने घर में एक फुटबॉलर दो दो कह सकते हैं फुटबॉलर का, और आपकी तरफ से भी मतलब इतने अच्छी तरीके से गाइडेंस दिया गया अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ में किस तरीके से अपना जो इंटरेस्टेड फील है उसे मेंटेन करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ। थैंक यू मिस।